तो यार आज तो टाइम से उठ गया था मैं, लेकिन खाने वाने में थोड़ा लेट कर दिया। स्प्राउट्स फिलहाल बिगाने के लिए जा रहा था। भाई इंसानियत दिखाते हो ना, बहुत दिनों से मैं इस बात से चुप था और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था इसका। और बात अभी जिसकी मैं कर रहा हूँ वो है चूहा। एक ही घूम रहे हैं हमारे घर पे। पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि ये चूहे ने बहुत परेशान कर रखा। भाई आज तो हद मचा दी यार इसने। यहीं पर तो भाई पैर के ऊपर चढ़ गया यार, ऊपर पता नहीं कहाँ से आ गया। मुझे लग रहा है मैंने बिस्किट के पैकेट इसके नीचे दबा रखे थे। मम्मी मना करती थी लेकिन मानता नहीं था, इसकी वजह से आ गया। ये सब भी फेंक दूंगा निकाल के, लेकिन यार इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक चीज़ लेकर के आया था, मैं सोच रहा था लगाऊंगा नहीं, लेकिन लगानी चाहिए मुझे और मैं लगा ही दूंगा। ये तो इसमें क्या होता है दिखाता हूँ अभी आपको। तो अब देखो मैं तुम्हें इसका सिस्टम समझाता हूँ, पहले खुद भी समझ लेता हूँ, पढ़ देता हूँ क्या नहीं क्या नहीं। यार पढ़ता तो कौन ही यार, इसमें डिज़ाइन देख कर ही समझ आ जाता है। खोल देते हैं, से खोलने की सोच रहा था लेकिन खोल तो बन गया, लेकिन बन बन गया मैटर तो क्या फ़ायदा। बस इसमें क्या होता है, गम रखा होता है ना, इसमें गम लगा होता है। मैं हाथ लगा के तो नहीं देख सकता, मैं हाथ चिपकने का डर है भाई, धुलने पड़ेंगे मुझे जाके। तो इसे बस क्या है कि जमीन पे रख दो, चूहा इस पर अगर चढ़ गया तो बस उसका गेम हो गया। अब इसे फिक्स कर देते, प्लांट कर देते ताकि पकड़ में आ जाए, नुकसान ना करे। बहुत दिन से घूम रहा है चूहा। चूहे के दो मेजर स्पॉट है, एक तो वहाँ से निकलता है वो, और एक रहता है यहाँ पे। देखो कपड़ा ठूस रखा है, तो यहाँ प्रोबेबली आएगा ही। मिट्टी कितनी ठूस रखती है। फिलहाल आज मैं सोच रहा हूँ कि इसे इस तरफ लगा दो, अगर आज पकड़ में नहीं आता तो फिर उस तरफ लगा दूँगा। यहीं पर लगे रहने तो देखते हैं फंसता है कि नहीं फंसता। वैसे तो फंस जाना चाहिए उसे। दूसरा काम था यार धुले हुए कपड़े ऊपर डाल दे। तुम लोग को यही लगता होगा कितने कपड़े धुलता हूँ, लेकिन यार मेरे हो जाते हैं। डाल देता हूँ फिलहाल, बहुत मस्त मौसम हो रखा है। अभी देखो ये सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊँ। पहले मुझे लगे बर्रिया बैठी हुई है, लेकिन ये हो रखी है इसमें फंगस, हर जगह फंगस ही फंगस। येलो कलर की पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन भाई सुबह मेरे कज़न से मेरी बात हुई तो वो कह रहा था कि लखनऊ में धूप हो रही है। कहाँ है धूप? हेलो, यहाँ कोई धूप वूप नहीं आ रही यार। ऐसे ना काम करते करते यार जनरली बहुत लेट हो गया था। मतलब 12-1 बजे के टाइम पर तो मैं डेस्कटॉप से उठा हूँ, और फिर उसके बाद फिर हमने स्प्राउट्स वगैरह जो भी खाया वो खाया। डाइट मैंने अभी तक नहीं ली, हाथ पेन होंगे पक्का शाम। तो यार अभी एक चीज़ को और ठिकाने लगाना, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ क्या। ये देखो ऐसे तो देखने में तुम्हें नॉर्मली लग रहा होगा, लेकिन इसमें लग चुके घुन, और ये देख रहे हो 6-2 हुए इसमें। और दूसरी तरफ ये है जो इसमें देखो, बाप रे भाई घुन ही घुन, और ये सब जिंदा है भाई। ऐसे पास से देखोगे ना तो और ज़्यादा देखेंगे। देखो चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों को फेंक करके आना। अगर यहाँ डब्बा मैंने खोल दिया तो सारे उड़ जाएंगे यहीं पर। चलो ले चलते हैं। देखो यार बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी दाल, ये भी और ये भी। अगली बार से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि ज़्यादा नहीं लेकर के आएंगे। तो यार मोस्ट ऑफ द टाइम ना आज का ऐसे ही निकल गया काम करते हुए। अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ इसकी प्रेस करवाने के लिए, क्योंकि जैसे कि बताया था कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है, उसी की तैयारी में बस हम लोग हैं। तो रात भर उसी में लगे रहे, आज पूरा दिन उसी में लगे रहे, पूरा टाइम ही ऐसे निकल गया। फिलहाल इसे प्रेस करवा देता हूँ, फिर मिलता हूँ। बस एक दिक्कत हो जाती है, कभी ज़रूरत ऐसी पड़े ना तो कुछ सामान मिलता ही नहीं, दुकान बंद हो जाती है। कहीं बंदे ना ले, हम तो मजाक में ही बोल रहे थे, नहीं दुकान बंद है, पता करना पड़ेगा दूसरा आसपास कहाँ से। भैया और हम अभी मजाक ही कर रहे थे इस बात पे कि कई बार ऐसा होता है कि जब प्रेस कराने का मेन काम हो ना उसी टाइम प्रेस वाला रहता नहीं है, और वही चीज़ एकदम हो चुकी है कि अब प्रेस वाला तो मिला नहीं है, अब ढूंढने के लिए निकलना पड़ रहा है। अभी एक दो जगह देखा मैंने, वहाँ भी नहीं लगाए हुए, क्योंकि इस टाइम पर उठ जाते हैं। देखो किसी ने खूब कहा कि मिलने से तो भगवान भी मिल जाता है, ये तो प्रेस वाला था, तो मिल गया, कपड़े दे दिए, एक घंटे बाद बुलाया, ले लेता हूँ। अब इतना सब काम वगैरह चल रहा है ना यहाँ, तो खाना बना के फिर बर्तन धुलना और ये सब करना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए आज सिंपल सादा ही बाहर का खा लेंगे। पूछ के तो फिलहाल मैं आ गया हूँ कैसा क्या है, जाके खा लेते हैं। और यार हमेशा की तरह भूख का वही वाला हिसाब कि खाना खा लिया और फिर तब याद आया कि दिखाना भूल गया, हमेशा ही हो जाता है ऐसा। फिलहाल तो घर की तरफ निकल रहे हैं, आज तवा वगैरह नहीं लेकर आएंगे, पहले सोच रहे थे लेने जाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है ब्रो। तो यार कैश एकदम ही खत्म हो गई, तो कैश निकालने के लिए जा रहा हूँ फिलहाल। तो मैं तो ATM से निकाल लेते हैं। तो अभी मार्केट साइड ही आ गया हूँ मैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं जैसे सेब केला, कौन सा आगे निकल के जाऊँगा, क्योंकि टहलना हो जाता ना इसी बहाने। खाना भी खा रखा है वो, थोड़ा पेट भी एडजस्ट हो जाएगा।
यार केला बहुत सस्ता मिल गया, 20 रुपए दर्जन मिला है। सेब थोड़ा महंगा है, वैसे तो 50-60 तक ले जाता हूँ मैं, लेकिन आज 70 रुपए का मिला, नहीं तो बढ़िया था ही नहीं यहीं पर। कल प्लग लेकर आया था यार मैं, और ये पता है लग नहीं पा रहा, मतलब इसमें स्विच लग नहीं पा रहा है। क्या बोलते हो, उसे प्लग बोलते हैं स्विच बोलते हैं, कन्फ्यूजन इतना है ना, बस एक वापस करने जाना है, इतना समझ लो। तो अभी हुआ पता ही क्या है, मैं वो वापस करने के लिए जो गया था दिखा रहा था, तो वापस करने के लिए दुकान पे गया, तो बहुत छोटी सी स्पेस थी वहाँ पे, तो पीछे से दुकानदार अंदर आया वापस करने के लिए पैसे, तो उसने मुझे ऐसे साइड किया, तो मेरा हाथ ऐसे करके लग गया, और वहाँ भी जार रखे हुए थे मिक्सी वाले यार, सब के सब गिरे और सीधा नाली में चले गए। इतना अजीब, इतना बुरा लगा मुझे यार कि उसका नुकसान हो गया, मतलब अब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो गिरा नहीं था, लेकिन उसे धुलना पड़ेगा सब के सब जारों को, तो यार मतलब क्या ही है, मैंने सॉरी बोल दिया तो निपट गया वैसे। यार चूहा है कि निंजा समझ ही नहीं आता यार, पकड़ा ही नहीं गया, देखो पता नहीं सुबह तक पकड़ा जाएगा, वैसे उम्मीद तो यही है। अबे पूरा धुआं ही धुआं रहा है, अबे धुआं कैसा हो रहा भाई आकाश, धुआं यहाँ से हो रहा है भाई, ये तो एक्सीडेंट होता तो बच गया भाई, मिस्टेक है, मेरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक यार, मैं करके ऐसे भूल जाता हूँ, स्पेशली दो बार अच्छा, एक बार पानी चढ़ा के भूल गया था ऐसे में, और आज ये अंडे वाला काम हो गया, अगली बार से ध्यान रखूंगा इस चीज़ का यार। मुझे लगा इन लोगों ने कुछ जला दिया यार लिटरली वहाँ पे, नहीं मेरी गलती थी, अपोलोजाइज कर लिया मैंने। फिलहाल की वीडियो में आज इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट। और ऊपर भी जाके सॉरी वॉरी बोल दिया मैंने, क्योंकि यार ये लोग कुछ खाते नहीं और बाहर उल्टियाँ कर रहे थे, मतलब उल्टियाँ नहीं, उनको आ रही थी, उसकी वजह से स्मेल बहुत ज़्यादा हुई।